नमस्कार दोस्तों, खबर पटना से है। देखिए, आया है आज दैनिक जागरण के पेपर में, उच्च माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन आज से। ठीक है, आइए देखते हैं पटना की क्या खबर है शिक्षा विभाग के बारे में। पटना राज्य के सभी जिलों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने के लिए सोमवार से आवेदन जमा लिए जाएंगे, यानी कि आज से आवेदन जमा लिए जाएंगे। ठीक है, अभ्यर्थियों के आवेदन 20 जुलाई तक लिए जाएंगे, यानी कि 17 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक लिए जाएंगे। इसके लिए पहले शिक्षा विभाग की ओर से शेड्यूल जारी किया जा चुका है। अतिथि शिक्षकों के लिए मानदेय 25,000 रुपये प्रति माह है। 1,113 पदों पर अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जाएगी। टोटल जो पद हैं वो 1,113 हैं, 1,113। शिक्षा विभाग के मुताबिक अतिथि शिक्षक अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के विषयों के लिए होंगे। अतिथि शिक्षकों का प्रति कार्य दिवस 1,000 रुपये परिश्रमिक दिया जाएगा। वैसे प्रति माह अधिकतम 25,000 रुपये परिश्रमिक तय किया गया है। आवेदन आने के बाद 21 जुलाई को अभ्यर्थियों की मेघा सूची तैयार होगी, 22 जुलाई को मेघा सूची का प्रकाशन होगा और 26 जुलाई को आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम मेघा सूची का प्रकाशन जो होगा वो 30 जुलाई से 31 जुलाई तक अतिथि शिक्षकों को योगदान करना होगा। ठीक है, 30 से 31 जुलाई तक अतिथि शिक्षकों को योगदान करना होगा। धन्यवाद।